मुझे इस बात की खुशी है, घमंड है, गर्व भी है और अभिमान भी है कि जहां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भारत के मीडिया ने हमेशा अंधेरे में रखा, उनको हमेशा निगलेक्ट किया, जिनके मूक नायक की जाहिरात एडवर्टीजमेंट बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो पेपर निकाला था, राजर्षि शाहू छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा मदद से वो पेपर की जब एडवर्टीजमेंट बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकमान्य तिलक के केसरी को भेजी, तो उन्होंने वो एडवर्टीजमेंट और पैसा दोनों चीज़ें लौटा दी थी। उसी समय में जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निर्वाण हुआ, तो उनके निर्वाण की न्यूज़ भी केसरी पत्र में नहीं छपाई। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को हमेशा भारत के मीडिया ने गलत तरीके से लोगों के सामने रखा, उनके सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने दिया। नागपुर में यहाँ तक बाबा साहब ने कहा कि भारत के मीडिया को अभी तो भी सुधर जाना चाहिए, मेरे खिलाफ जीवन भर वो विरोध करते रहे, अभी तो भी कम से कम उन्होंने अपने विवेक के साथ जीने की कोशिश, बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी ताकत से मूक नायक चलाया, अपनी ताकत से समता ममता जनता का पेपर चलाया और बहिष्कृत भारत चलाया और प्रबुद्ध भारत चलाया। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बाद हम देखते हैं कि भारत में टीवी का मीडिया आया, तो वो टीवी में सब तरफ एक विशिष्ट धर्म की देव देवताओं को दिखाया जाता था, एक विशिष्ट पार्टी के लोगों को उनके टीवी पे दिखाया जाता था। वहाँ भगवान बुद्ध कहीं नज़र नहीं आते थे, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहीं नज़र नहीं आते थे, वहाँ शाहू महाराज कहीं नज़र नहीं आते थे, वहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले कहीं नज़र नहीं आते थे, और हमारे दुख और दर्दों की बात कहीं भी कोई भी टीवी मीडिया आज तक के बराबर ईमानदारी के साथ नहीं दिखाता है। ऐसे हालात में कांशीराम जी ने कहा था कि पेपरों में जो बात आती है, अखबार में जो बात आती है, उसको कुरान और बाइबल की बात मत समझना। वहाँ अखबार में जो बातें आती हैं वो झूठ भी हो सकती है और होती है। और ये कहने वाले कांशीराम जी के नाम से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जो महान शिष्य था, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का महान लेनिन था, जिसने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के राजनीति के तत्व ज्ञान को अमल में लाया, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की सरकार कैसे होती है, अंग्रेज की सरकार हमने देखी थी, मुगलों की सरकार हमने देखी थी, कांग्रेस की सरकार हमने देखी थी, कम्युनिस्टों की सरकार हमने देखी थी, समाजवादियों की सरकार हमने देखी थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की सम्राट अशोक को मानने वाली, भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाली, भारत के संविधान को मानने वाली, बाबा साहब आम्बेडकर प्रणीत लोकशाही की सरकार कैसे होती है, ये दिखाने का प्रयास जिस महापुरुष ने किया वे कांशीराम जी, उनके नाम से विजय ताड़े जी, आपने ये जो चैनल शुरू किया है, मैं हजार बार आपका अभिनंदन करता हूँ, हजार बार आपको दुहाई देता हूँ, हजार बार आपका आभार मानता हूँ, और आपकी ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपना नाम रोशन करे, मीडिया में अपना अस्तित्व निर्माण करे, ऐसी मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ और बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ।